जिले के लवसरा गांव में शिक्षक पर धारदार हथियार से जानलेवा हमला करने के मामले में पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है और हिरासत में जेल भेज दिया गया। आरोपियों में पिता, मां और उसका बेटा भी शामिल है। पूरा मामला जमीन विवाद से जुड़ा हुआ बताया जा रहा है। दरअसल पीड़िता ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि जमीन विवाद में पड़ोसी रानी भट्ट, किरणलाल भट्ट और सोमनाथ भट्ट ने पहले उसके साथ मारपीट की, फिर पत्थर उठाकर उसे मारा और जमीन पर घसीटने लगे। इस दौरान उसका भाई दौड़कर पहुंचा तो तीनों आरोपी ने मिलकर लोहे के कत्ते से उस पर जानलेवा हमला कर दिया। लहूलुहान हालत में पीड़ित शिक्षक को चंपा अस्पताल में भर्ती कराया गया जहां उसका इलाज चल रहा है। वहीं पूरे मामले में पुलिस कार्रवाई करने से बचती रही, लेकिन खबर मीडिया में आने के बाद पुलिस हरकत में आई और आरोपियों को अरेस्ट किया गया। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरें IBC 24 पर लगातार जारी है।